प्रोक्योर। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी का मामला सिमडेगा थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए दीपक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को जो है हाईकोर्ट से राहत मिली है, क्या कुछ जो है अभी फिलहाल बातें सामने आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी का मामला था। जी बिल्कुल, देखिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बयानबाजी को लेकर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने राज्य के 6 थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और उसमें सिमडेगा थाना में जो दर्ज प्राथमिकी था उस प्राथमिकी को चुनौती झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा दिया गया था। उसी याचिका पे आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दरमियान झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी पर किसी भी तरह का पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो जैसे बात है, जब पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगी है तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक राहत जो है वो मिली है। लेकिन यह जो पूरा मामला है साल 2023 का है और इसी को लेकर के प्राथमिकी जो है अलग अलग थाना में जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा दर्ज कराया गया था और एक एक वेब पोर्टल पर एक वीडियो भी जो है वो अपलोड जो है किया गया था साक्षात्कार के तौर पे। तो उसी को लेकर के जो है प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अब जब झारखंड हाईकोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जब चुनौती दी तो उस चुनौती को पर जो सुनवाई हुई है और झारखंड हाई कोर्ट ने राहत फिलहाल जो है वो राहत दिया है कि पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगाई है और वही प्रार्थी को जो है हाई कोर्ट ने जवाब देने के लिए भी कहा है। तो ये पूरा मामला है और झारखंड हाई कोर्ट में जो याचिका जो चुनौती देने वाली जो याचिका दायर की गई थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा तो उसमें सिमडेगा थाना में दर्ज जो प्राथमिकी है उससे निरस्त करने का जो है वो मांग किया गया था। तो अब फिलहाल जो है झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को राहत मिला है और इसके लिए जब अगले छुट्टी पे जब सुनवाई होगी उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसके तहत क्या कुछ होता है तो उसके लिए फिलहाल आगे इंतजार करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।